काय का बल भाई साहब, चलो जितनी बच जाएंगे चले यार। उनकी बच्चे अच्छे ने उसी देख ले कैसी चेचे ने उसी आए। चलो मैं इंटरव्यू कर रहे थे, देख ले अभी जो काका इंटरव्यू आई हुई है वो का कर लेगा। चलो ठीक है चलो। तो भैया हम चैचे न्यूज से आपके जित्तू खरे, जय बुंदेलखंड जय भारत माँ। और आज भैया हरे आए हैं हमारे खेत पे, और हम भी सोचा थे कि तनक देश दुनिया की इनसे बातें करें कि कितनी भैया हरे जानकारी रखा थे गांव पुरा की, जिला की, संभाग की, प्रदेश की, हार की, खेत की। तो चलें अपन। भैया आपको क्या नाम है? कपिल श्रीवास्तव बुंदेली बाबा। काम की नहीं, तुम सकल ही से दिखा रहे लगा, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले रहे। भैया अपनों का नाम? आफताब खान पतरिया। का करत हैं भैया? अब कछु नहीं करत, बेरोजगार हैं। वो तो सकल से लग रहा हो, बालक बात है, लेकिन फिर भी का करत हैं? गाड़ी आड़ी चला थे, ड्राइविंग करत। कौन की? जो उनकी मिल जावे 200-300 मिल जा कर दे। ब्याह नहीं भाव का? अबे नहीं भाव है, यही से दूसरों की चला रहे। और का हो तरती के अलावा? और कछु नहीं होता रहता, खेती किसानी है। आप और किछु भाई तकें रहे तो दूसरों की तकें कर रही जिंदगी का करें अब। अच्छा। परिवार नहीं सुन रहे तो हम जो चाहते हैं कि जैसे ही समय में अबे जो बहुत परेशान है आदमी, तू का करूँ चाहिए? कौन खे का कर? एक आदमी खे का करूँ चाहिए, परेशान है जोन हर चीज से नहीं है परेशान आदमी, तू का करूँ चाहिए? परेशान है सो परेशान ही रे है, वो का कर चाहिए? वो का करन लगे, लॉकडाउन लगू है, पूरे भारत देश में बंद है, न उनकी दुकानें चल रही हैं, रोजगार के कोनो साधन नहीं है, दुकानदारी बंद है, जो मजदूरी करते भी बंद है। अब का करन लगे? आप तो खुद तो गाउत बजाउत हती, बताओ आप का चल रहे हो, कैसे चल रहे हो बताओ? चलो आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको कैसे चल रहे हो? जो तो संसार आए सब परेशान है, आप युवा पीढ़ी जो एक दूसरे से चलत नहीं है, एक दूसरे से धोखे धक्का से मिल लेते हैं, कहूँ ते कहूँ समझ गए? तो उनके नए युवाओं के का जो भी तरस रहे हैं मिलन के लाने, उनके लिए का के वसार? उनसे तो जो ही कहो चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं हो तनक ध्यान रखने पर है, स्कूल कॉलेज खुलवाने पर है, फिर कहूँ उन्होंने मौका मिल पाए। अब तो घरों में सब जगह सब जने रहे आउ, टपरियों में बब्बा बुड़ी दोंद रह गए हैं, अब क्या कर सका तू बताओ, आप ही बताओ। और हम जा के वो चाहते हैं जैसे जो मोबाइल है, मोबाइल में जो अब लड़का बारों के लाने, अब लॉकडाउन में घरे हैं, सुबह जो कुछ चाहे दे दी मोबाइल से, उनके लिए का क्या वो चाहत, उन्हें मोबाइल दाऊ चाहिए कि नहीं दाऊ चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल करो जित्ती भैया, मोबाइल नेटवर्किंग एक खराब चीज़ साबित भी हो रही है और बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर आदमी को सही उपयोग कर रहा है तो बहुत सही है, लेकिन आजकल के छोटे बच्चों के लाने मोबाइल दे देते हैं माता पिता ताकि वे परेशान न करें, और मोबाइल में इंटरनेट जैसे ही चालू करो, कोनो प्रोग्राम देखो या कोनो गेम खेलो तो बड़ी गंदी गंदी एडें आती हैं, एडवर्टाइजमेंट आती हैं, उनको बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, और जहाँ तक है बच्चों के लाने मोबाइल बहुत हानिकारक है। जा बताओ, जब वे बहुदद्दा की बात नहीं मान रहे तो तुम्हारी बात कहाँ है? मानियो को होत को हो तुम, तुमने मोबाइल लाओ, तुमने सिम ले कहीं दई, तुम क्या डर हुआ? तो पूछो तो काय पूछ रहे? नहीं तो हमने पूछी सो नहीं तो का मतलब? अरे तुम